तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन टू में है, क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश। एल्विश मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी बिग बॉस के घर में, और वहीं पे सारे बिग बॉस घर में जितने भी लोग हैं वो सामने सामने बैठे थे, और मीडिया वालों ने भाई साहब अरमान मलिक और कृतिका मलिक से मतलब कि उनको एक्सपोज किया, ट्रोल किया, और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आप हमेशा क्यों एल्विश एल्विश करते हो, एल्विश के बारे में ज़्यादा बोलते हो। और ऐसा लगता है कि भाई साहब पिछली बार OTT सीजन 3-2 था, और वही लग रहा है अभी भी। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा अरमान, एक क्वेश्चन पहले आपसे है कि ये कौन से बिग बॉस OTT में, हम कौन सा सीजन है ये? पहले तो थर्ड वाला सर, थर्ड है जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन टू में है, क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश एल्विश एल्विश। वीकेंड के बारे में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था, आप ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि बाहर कोई ना कोई रीजन से कॉन्ट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता रहे, यहाँ तक कि उनके जो दोस्त है वो नाम नहीं ले रहे लेकिन आप ज़्यादातर नाम लेते रहते हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना, ये प्री प्लान है कि बाहर से चीज़ें को देख के आया कोई और समझ के आया है, और उस दिन जब साईं के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उस दिन रियल पर्सनालिटी बाहर आई थी गाली को लेके। और चीज़ें अगर जिस दिन एक बाहर वाला भी बना था तो मैंने सना मकबूल को बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था और चीज़ों को समझ के आया कि तुझे कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर OTT में आता हूँ और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि तुझे एक वीक ये करना है, दूसरे वीक झगड़ना नहीं, अगर तीसरे वीक बात हो तो तुझे करनी है, तो वो चीज़ें मुझे लगा और मैं बात करता हूँ। सेंसलेस बातें कर, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बार नहीं पता होता सर आपको, पता ना इसको नहीं पता होती, यही दिक्कत है। अरे भाई वो बंदा अलग है, मैं बंदा अलग हूँ, मैं अपनी चीज़ बताऊंगा, वो अपनी चीज़ बताएगा, क्या बातें कर रहे हो तुम। अरमान मलिक को लेकर क्या ओपिनियन है, एल्विश यादव को लेकर क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू अपडेट के लिए।